हेलो वेलकम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमारा ये कोर्स बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। तकरीबन हमने इसमें मोस्टली जो भी चीज़ें थी काम वाली, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वो सारी कवर कर दी हैं। अभी हमारा यहाँ पर लास्ट स्टेप रहता है व्यू वाला टैब। इससे पहले हमने रिव्यू वाला टैब भी कंप्लीट कर दिया था। व्यू वाले टैब में कुछ स्टार्ट में इसमें ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट व्यूज के। मतलब देखिए, जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट भी है। अब इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट अभी हमारे पास ओपन है, ये बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होगा जब हम प्रिंटर के थ्रू इसमें से प्रिंट करेंगे। मतलब ये वाला जो प्रिंट लेआउट वाला ऑप्शन व्यू है, वो हमें ये लेआउट शो कर रहा है कि ये जो लेआउट हमारे फ्रंट पर स्क्रीन पर आ रहा है, जब हम पेपर पर डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग लेना चाहेंगे तो पेपर पे इसी तरीके से प्रिंट होगा जो अभी हमारे पास शो हो रहा है। इसी फॉर्मेट में ऐसे ही प्रिंट होगा। और उसके साथ दूसरा ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग का, या इसको रीडिंग मोड भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका ट्यूटोरियल है, कोई ऐसा आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, या कोई सॉफ्ट कॉपी में बुक्स अवेलेबल है, आपको जस्ट उसमें रीड करना है और चेंजेस नहीं करनी है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करनी। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फुल स्क्रीन रीडिंग मोड या रीड मोड। अब इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो अब आप बिल्कुल रीड मोड में चले जाएंगे। अब आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते इस मोड में। तो फुल स्क्रीन वाला ये मोड है, इसमें आप इसको एडिट कर नहीं कर सकते, इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो जो डॉक्यूमेंट में आपके पास नेक्स्ट पेजेस हैं वो यहाँ चेंज होते जाएंगे, और अगर प्रीवियस पेजेस में आपको वापस जाना है तो यहाँ पर क्लिक करें तो आप इसमें से वापस चले जाएंगे। अगर रीड मोड से आपको निकलना है, बाहर निकलना है, तो आप जो है ना इसको क्लोज कर दें, और ये कीबोर्ड में एस्केप का जो बटन है आप उसके थ्रू भी रीड मोड से निकल सकते हैं। उसके साथ एक और इसका व्यू है वेब लेआउट का। मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट आप वेब पे सेंड करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पर रखना चाहते हैं, तो उसका लेआउट इस तरीके से होगा। अब वेब लेआउट में ये होता है कि आपको पेज नंबरिंग शो नहीं होगी, पूरा जो है ना एक ही पेज आपको शो होगा, चाहे कितने भी आपके इसके डॉक्यूमेंट में पेजेस हो, सारे आपको सिर्फ वन पेज पर ही शो होंगे, पूरा एक ही पेज है। उसके अलावा अगर आप आउटलाइन वाला भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको हर चीज़ आउटलाइन में दी हुई होगी, और उसके साथ साथ अगर आप ड्राफ्ट वाला भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू। और इसमें देखें साहब, तीन और भी ऑप्शंस हैं, रूलर का, गाइडलाइंस का और नेविगेशन पेन का। देखें, जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो यहाँ देखें ये हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये यहाँ पर रूलर शो हो रहे हैं। अगर ये वाली चीज़ें आपको विजिबल करनी है, शो करनी है इन दोनों को, तो इसमें आप रूलर वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल करेंगे, टिक करेंगे। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये वाले जो रूलर बार थे वो हाइड हो गए, या एक यहाँ पे था, दूसरा ये यहाँ पर था, तो ये हाइड हो गए। जब हम यहाँ माउस रख रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हमें ये परमानेंट चाहिए कि ये शो हो, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। उसके साथ दूसरा एक इसमें ऑप्शन है गाइडलाइंस का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बैकग्राउंड में गाइडलाइंस हों, जैसे ग्राफ पेपर्स होते हैं उनके बैकग्राउंड में लाइंस बनी हुई होती हैं,
अगर हमें डॉक्यूमेंट में वाली गाइडलाइंस चाहिए तो इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे, तो पूरे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में गाइडलाइंस शो होंगी। अगर इन गाइडलाइंस को ख़त्म करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करें, अनचेक कर दें इसको, गाइडलाइंस ख़त्म हो जाएंगी। और उसके साथ साथ इसमें नेविगेशन का पेन, अगर आप इसको इनेबल करेंगे, चेक करेंगे, तो ये नेविगेशन पेन आपके पास ये होगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसमें देखें तीन मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इसमें हेडिंग्स जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स की हैं वो सारी यहाँ पर शो होंगी। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम इसको हेडिंग लगाते हैं चैप्टर नंबर 1 को, ये हेडिंग 1 लगा दी, जितनी भी हम डॉक्यूमेंट में हेडिंग ऐड करते जाएंगे वो सारी यहाँ पर शो होंगी। इसी तरह हम अगर इसको भी जो है ना हेडिंग 1 या 2 लगा देते हैं, तो देखें जो जो हम हेडिंग्स ऐड करते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में तो ये यहाँ पर शो होंगी हेडिंग्स। और दूसरा इसके साथ जो ऑप्शन है वो पेजेस का है, और थर्ड जो ऑप्शन है वो हम अगर कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो उसकी रिजल्ट का है। अब पेजेस में देखें, हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं यहाँ पर सबका व्यू शो कर रहा है डॉक्यूमेंट्स का, कि हमारे पास इतने पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में, ये वाले पेजेस हैं। और यहाँ रिजल्ट में अगर हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसकी रिजल्ट यहाँ पर शो होती है। अब फॉर एग्जांपल लगी भी हम इसमें वर्ड फाइंड करते हैं इंसर्ट, और इसको फाइंड करते हैं, तब देखें जहाँ जहाँ पर वर्ड इंसर्ट है तो ये सब रिजल्ट उसकी हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट में 4 जगह पर हमारा वर्ड इंसर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर क्लिक करें, दूसरा यहाँ पर क्लिक करें, देखिए ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो जो भी रिजल्ट होंगी मैचेस में वो सारी यहाँ पर शो होंगी। और उसके साथ इसमें ऑप्शन है जूम का, ये मोस्टली आप लोग जैसे मोबाइल में भी यूज करते हैं, कोई पिक्चर हो या दूसरी ऐसी चीज़ होती है उसको जूम बड़ा होना हो या कम करना हो, तो सेम इसमें भी डॉक्यूमेंट का अगर हमें जूम बढ़ाना है या कम करना है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर जूम अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करें। तो देखें इसमें एक तो डिफरेंट बिल्ट इन ऑप्शन आपको दे रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट का जूम कितना चाहिए। अगर आप इसमें मैन्युअली कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो मैन्युअल भी कर सकते हैं, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो जूम आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को या मैनुअल में वो वाला परसेंटेज टाइप करके ओके कर दें तो आपके डॉक्यूमेंट का जूम चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट की जूम 100% चाहिए डायरेक्ट, तो आप यहाँ क्लिक करें तो जूम 100% डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। अगर आपको 1 पेज वाला जो है ना जूम डॉक्यूमेंट में जो है ना चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये पूरा पेज स्क्रीन पर शो करेगा। अगर 2 पेजेस चाहिए तो देखें आपके पास 2 पेज कंप्लीट शो कर रहा है, अगर 1 पेज पे कर रहे थे तो सिर्फ 1 पेज कंप्लीट हमारे पास शो कर रहा था, 2 की है तो इसमें 2 पेजेस हो गए। अगर पेज विड्थ करेंगे तो हमारे पेज की जो ये विड्थ है यहाँ से लेके ये इससे हमें शो कर रहा है। दोबारा इसको चेंज कर दें 100% पे लें। और उसके अलावा इसमें और ऑप्शन न्यू विंडोज़ का है, अगर हमें दूसरी भी विंडो चाहिए वर्ड की तो हम इसके न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट यही डॉक्यूमेंट न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। अरेंज ऑल में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा विंडोज हैं तो उसको अरेंज करने के लिए हम अरेंज ऑल वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। और उसके अलावा इसमें तीसरा ऑप्शन है स्प्लिट का, अगर इसी डॉक्यूमेंट को इसमें जो विंडोज़ हैं ये पूरी एक विंडो है इसको अगर हमें 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें तो इसके लिए स्प्लिट पर क्लिक करें। अब जितने स्क्रीन को हिस्से में आपको डिवाइड करना है जस्ट उतने पे आप क्लिक करें माउस से, तभी हमारी जो डॉक्यूमेंट थी वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, एक ये पार्ट है दूसरा ये पार्ट है। अब इसमें अगर हम एक साइड पर चेंजेस करेंगे तो वो दूसरी साइड पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इसमें नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं
तो अब इसमें बाद में देखें, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो अगर ये वाला जो हमने डॉक्यूमेंट का स्प्लिट किया है, दो हिस्सों में डॉक्यूमेंट को स्प्लिट किया है, अगर ये चीज़ हम रिमूव करना चाहें तो दोबारा स्प्लिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके साथ व्यू वाले टैब में रिमूव स्प्लिट, इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो जो हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दी थी, डिवाइड कर दी थी, अब ये स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। और उसके साथ इसमें एक और भी ऑप्शन है, स्विच विंडोज। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एट ए टाइम एक से ज़्यादा वर्ड्स के डॉक्यूमेंट ओपन हैं, तो यहाँ पूरी उन डॉक्यूमेंट जितने भी ओपन हैं उन सब की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में स्विच करना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं वर्ड में से। और उसके साथ लास्ट में एक ऑप्शन है मैक्रो का। अगर हमें किसी चीज़ का मैक्रो बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे? देखिए, मैक्रो हम यूज़ क्यों करते हैं, आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो याद होंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें बोल्ड के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई करते हैं, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू करते हैं, इसी तरह सेव के लिए कंट्रोल एस करते हैं, कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, तो इस तरह बहुत सारी शॉर्टकट की हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं। तो मैक्रोज के लिए भी हमें एक उसकी की बनानी पड़ेगी। अब उसका एडवांटेज क्या होगा, जो हम की बनाएंगे तो उसका एडवांटेज क्या होगा? अभी फॉर एग्जांपल देखें, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाई है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये यहाँ पर टाइटल में इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची, अगर हमारी एक रिपोर्ट है उसमें 50 या 100 पेजेस हैं, तो ये इसका पूरा कंप्लीट नेम उस डॉक्यूमेंट में 15, 20 या 30 मरतबा जो है ना ये यूज़ होगा। तो बार बार बजाय इसके कि हम इसको लिखें, तो इसकी हम एक की बना देते हैं, जैसे शॉर्टकट की होती हैं, तो ऐसे हम इसकी भी की बना देते हैं, ताकि बार बार हमें इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत महसूस ना हो। सिर्फ एक मरतबा हम इसकी की बना दें, उसके बाद जस्ट उस की को और वर्ड को प्रेस करेंगे तो ये पूरा वर्ड ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। और ऑफिस में जो है ना माइक्रोज के यूज़ करने के बहुत से एडवांटेजेस हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो एप्लीकेशन के लिए आप क्या करते हैं, पूरी एप्लीकेशन को मैक्रो में टाइप करें, मैक्रो में रिकॉर्ड कर दें। मैक्रो में रिकॉर्ड करने के बाद जब भी आपको उस कंप्यूटर पर, उस सिस्टम पर, उस लैपटॉप पर वो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हो, तो जस्ट आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में वो की प्रेस करेंगे, तो वो पूरी जो आपने रिकॉर्ड की थी एप्लीकेशन, वो सारी जो है ना उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो अब ये मैक्रो बनाना कैसे, किस तरह से हम मैक्रो बनाते हैं, चले आए ये देखते हैं। अब सीनरी हमारा क्या है कि हमें एक की का मैक्रो बनाना है जिसमें ये वाला वर्ड हमें लिखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची। तो ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो, बस एक शॉर्टकट की इसकी बना देते हैं, इसका मैक्रो रिकॉर्ड करके फिर हम उस की को यूज़ करेंगे बजाय ये पूरा लिखने के। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखें, पहले यहाँ मैक्रो पे क्लिक करें। व्यू मैक्रो में ये होगा कि हमारे जितने भी ज़्यादा, जितने भी हम मैक्रो बनाते जाएंगे उनकी पूरी लिस्ट बनती जाएगी, तो उन सब को हम यहाँ से व्यूज भी कर सकते हैं। अगर हमें न्यू मैक्रो बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। अब देखें मैक्रो में उसका आप कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो वन है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं नेम को। चलो इसका हम नेम दे देते हैं एस की, मीन्स शॉर्टकट की। अब मैक्रो किसी हमें असाइन किस चीज़ पर करना है, कीबोर्ड की कोई भी जो है ना वो की यूज़ करनी है उस पर असाइन करना है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड का।
कीबोर्ड का हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये विंडो शो हो रही है। अब विंडो शो हो रही है तो इसमें देखें प्रेस न्यू शॉर्टकट की, आप यहाँ पर क्लिक करें। अभी कोई भी की आप प्रेस करें तो ये उसकी शॉर्टकट की बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो वर्ड की ऑलरेडी बिल्ट इन शॉर्टकट की हैं हमें वो यूज़ नहीं करनी। जैसे मैंने अभी इस वीडियो में पहले बताया था कि जो मुख्तलिफ शॉर्टकट की हैं, जैसे सिलेक्ट आल के लिए कंट्रोल ए यूज़ करते हैं, कट के लिए कंट्रोल एक्स है, कापी के लिए कंट्रोल सी है, प्रेस के लिए कंट्रोल वी है, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए इस तरह डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते हैं, वो वाली शॉर्टकट कीज़ यूज़ यहाँ पर नहीं करनी। कोई और शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है जो वर्ड में ना हो। तो कंट्रोल के साथ CTRL वाला जो बटन है हमारे पास कीबोर्ड में, उससे तो ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टकट कीज़ बनी हुई हैं। तो अब हम एक न्यू की बनाएंगे शॉर्टकट की अल्ट के बटन से, ALT जो कीबोर्ड में अवेलेबल है वो वाला हम यूज़ करेंगे। उसके थ्रू हम अपनी शॉर्टकट एक भी की बनाएंगे। अब हम जो की बनाएंगे वो कौन सी होगी, Alt A, अल्ट वाला बटन हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे और उसके साथ साथ A को भी साथ प्रेस करेंगे। अल्ट वाले को भी प्रेस करें और A को भी प्रेस करें, दोनों को साथ प्रेस करें। तब देखें यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कि हमने जो की बनाई है वो Alt+A। और उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें सेव चेंजेस इन नॉर्मल। अब इसमें देखें अगर हम नॉर्मल में यूज़ करेंगे, नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये शॉर्टकट की जो हमने अपनी बनाई है वर्ड की सब डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में PC में डॉक्यूमेंट्स होंगी उन सब में हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें जैसे अभी हमारी ये डॉक्यूमेंट खुली हुई है उसका नाम यही है इंसर्ट टैब, अगर जस्ट हमें इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना ये यूज़ करनी है, इस डॉक्यूमेंट के बाहर शॉर्टकट की को यूज़ नहीं करना है तो फिर यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट का नाम, तो ये सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंट में यूज़ होगी, बाकी कहीं और यूज़ नहीं होगी। अगर हम नॉर्मल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इसको वर्ड पूरी में कहीं भी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। चलें उसके बाद क्लिक करते हैं असाइन के बटन पर। असाइन पर क्लिक किया, अब देखें यहाँ पर करंट की बन गई Alt+A। अभी इसको हम करते हैं यहाँ पर क्लोज। अच्छा अभी देखें जैसे ही हमने क्लोज किया है तो जो हमारा माउस का एरो है उसके नीचे देखें ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो वाली चीज़ शॉर्टकट की में इंसर्ट हो जाएगी या ऐड हो जाएगी या उसकी शॉर्टकट की बन जाएगी। तो चलिए हम इसमें यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची। तो मतलब जब भी हम ये Alt+A वाली शॉर्टकट की यूज़ करें तो उसमें सिर्फ हम की प्रेस करें तो ये सब कुछ खुद ही लिखा जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची। ठीक है, अब हमने जो लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची, अभी इसी शॉर्टकट की के लिए हमने ये मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी इस मैक्रो को करेंगे स्टॉप। स्टॉप करने के लिए दोबारा हम यहाँ मैक्रो के ऑप्शन में आए, अब इसमें ऑप्शन है स्टॉप रिकॉर्डिंग, अब हम इस पर क्लिक करें स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो अभी ये हमारा मैक्रो बन गया है। अब डॉक्यूमेंट्स में, वर्ड्स में, किसी में भी जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत हो हमें जस्ट क्या करना है, बटन दबाना है कीबोर्ड से Alt+A। अब देखिए पूरा के पूरा इंसर्ट हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि अब हमें जहाँ भी ये पूरा चाहिए तो वो सारा हम जस्ट शॉर्टकट की यूज़ करेंगे
ये पूरा वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कॉपी से डिफरेंट है, क्योंकि कॉपी जो चीज़ हम करते हैं उसके बाद अगर कोई दूसरी चीज़ कॉपी करते हैं तो फर्स्ट वाली ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये शॉर्टकट की इसमें परमानेंट रहेगी। अब जहाँ पर भी हमें रिक्वायर्ड हो तो अल्ट और ए का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो वाले वर्ड्स या जो भी हमने लिखा था वो सारे इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, होप दैट आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी चीज़ पूरे कोर्स के दौरान आपको समझ में नहीं आई हो या किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो, तो आप वो चीज़ कमेंट्स में लिख के हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी आपको सजेशंस देनी हो, राय देनी हो हमारे इस कोर्स के लिए, तो वो भी आप कमेंट्स में हमें इस कोर्स के लिए राय या अपनी सजेशंस दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग, क्लासमेट्स, उन सब के साथ ये हमारी वीडियोस और जो लिंक है हमारे चैनल का, ये उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी ये चीज़ें आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप दैट आप लोगों को ये पूरा कोर्स समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। थैंक यू।